उन्होंने कोल्हापुर पे राज किया, और उन्होंने राज नहीं किया, कोल्हापुर को ग्रो किया जो एक एक्चुअल राजा करता है। सो इट्स लाइक 4:45 इन द इवनिंग, ऑलमोस्ट 5 बज चुके, एंड नाउ आई हैव कम टू शाहू महाराज म्यूजियम, जो कोल्हापुर का म्यूजियम है। देर आर टू प्लेसेस, देर इज शाहू महाराज पैलेस जहाँ पे शाहू महाराज वॉज बॉर्न, हिज बर्थ प्लेस, एंड देर इज दिस म्यूजियम। सो इफ़ यू गो टू हिज बर्थ प्लेस देर इज नथिंग टू सी, बट जाना हो तो जा सकते हैं आप, एंड म्यूजियम इज वेयर यू वुड वॉन्ट टू बी। म्यूजियम के बाहर पहुँचते जैसा पार्किंग है, तो पार्किंग से लग के ही देर इज अ लेक, एंड बाय द लेक देर इज अ पार्क, और वो पार्क के अंदर देर आर फ्री मूविंग, देर आर पीकॉक्स, देर आर लाइक स्वॉन्स है यहाँ पे, गीस, देर आर लॉट ऑफ गीस, एंड देर आर यू कैन सी डियर्स, लॉट ऑफ डियर्स, आई जस्ट शो यू। सो देयर इज दिस फेंस, तो इसलिए आपको क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देर आर लॉट ऑफ गीस, एंड ये सामने जो झुंड नजर आ रहा है, दैट इज अ फ्लॉक ऑफ डियर्स। एक छोटा सा डियर यहाँ पे नजदीक आ रहा है, ये आप देख सकते हो। ओह माय गॉड, लुक एट दैट, ब्यूटीफुल, कितना इनोसेंट क्रीचर है। That's the palace or the new palace which is converted into a museum. और ये 5 बजे बंद हो गया होता है, 5 बज चुके हैं, और अभी पता नहीं हम लोग को देखने मिलेगा कि नहीं। और अपनी पब्लिक जो है वो घुस गई है पैलेस कैफे में, क्योंकि उनको भूख लग रही है, वो खाना खाने के लिए चले गए। वी हैवेंट हैड लंच येट। सो दिस इज़ द पैलेस कैफे। पैलेस कैफे में आपको छोटा मोटा स्नैक मिल जाएगा, यू विल गेट सैंडविचेस, यू विल गेट मैगी, लाइक मसाला मैगी एंड ऑल दैट। और ये देखो इनको, ये इसको पैलेस में इंटरेस्ट नहीं है, इसको लगी है भूख। तो क्या क्या लिया? मिसल घेतले, हाँ सही है, सेट है, सेट है। तो देयर इज अ करेक्शन, तो देयर इज नो मिसल पाव, देयर इज मिसल ब्रेड। दिख तो अच्छा रहा है। सो आई जस्ट डिस्कवर्ड कि यहाँ पे वड़ा पाव बहुत अच्छा मिलता है। आई डोंट नो अबाउट पाव, बट वड़े बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, बट द प्रॉब्लम इज कि वो सुबह में मिलते हैं, सो इट्स अनफॉर्चुनेट, वी वोंट गेट टू हैव, और रादर ये सब लोग ने तो खाया है, बट मुझे टेस्ट करना है। द मिसल इज गुड, चार खाएं। सो गाइज, कोल्हापुर आ रहे हो तो शाहू महाराज का जो न्यू पैलेस है, न्यू पैलेस, रिमेंबर देर इज ऑल्सो लक्ष्मी विलास पैलेस जहाँ पे ही वॉज बॉर्न। ओके, नाउ द पैरट्स आर मेकिंग अ लॉट ऑफ साउंड, लॉट ऑफ नॉइज, बट अच्छा लग रहा है। तो वी वर लक्ष्मी विलास पैलेस, वहाँ पे वो पैदा हुए थे। अब ये जो है, दिस इज़ द न्यू पैलेस, न्यू पैलेस। यहाँ पे सिर्फ वो रहते नहीं थे, लेकिन पूरा उनका जो भी काम है वो यहीं से होता था। एंड ट्रस्ट मी, ही वॉज बॉर्न इन अबाउट 1874 एंड ही डाइड इन 1922, तो ही डाइड अर्ली एट द एज ऑफ 47। तो 50 साल के उम्र में उन्होंने अपना काफ़ी नाम बनाया था, एंड ही वॉज अ रिफॉर्मिस्ट, ही वॉज अ मॉडर्न किंग। बाई मॉडर्न किंग आई मीन, वो पहले तो बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने लॉ किया हुआ था, एंड ही हैड ऑल्सो मेट किंग जॉर्ज आई गेस। तो वो काफ़ी फॉरवर्ड विचारों के थे, एंड उन्होंने जो कास्ट सिस्टम था, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट वो काफ़ी रिफॉर्म्स उन्होंने लाए थे, बहुत सारी चीज़ें वो करते थे। साथ ही साथ जो लोअर कास्ट पीपल थे उनके लिए उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट चालू किए। ही स्टार्टेड प्राइमरी एजुकेशन फॉर किड्स, एंड नॉट जस्ट इन महाराष्ट्र बट इन वेरी इन अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस एज वेल। कोल्हापुर में तो उनका काफ़ी अच्छा नाम था। अब शाहू महाराज, ही इज़ पॉपुलरली नोन एज राजश्री शाहू, एंड
उनको शिकारी का भी बहुत शौक था। अंदर आप पैलेस के अंदर देखेंगे, फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इनसाइड, सो बट आई सॉ इट, आई विजिटेड द पैलेस। उनकी शिकारी किए हुए जानवरों के वो क्या बोलते हैं, सुवनियर्स रखे हुए, किसी का टांग रखा हुआ है, किसी जानवर का हेड रखे हुए है। तो ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट द थिंग्स, द ग्रेट थिंग्स दैट ही डिड, लाइक ही इज़ द मैन वाई कोल्हापुर एंड कोल्हापुर फार्मर्स आर फ्लरिशिंग, नॉट जस्ट कोल्हापुर बट कोल्हापुर से आगे सातारा यहाँ तक के जो फार्मर्स है, दोज आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ वन थिंग विच शाहू महाराज हैड डिड, दैट इज़ द राधा नगरी डैम। अब राधा नगरी डैम के वजह से कोल्हापुर में कभी पानी की कमी नहीं आती। पहले जो वेस्टर्न घाट्स थे, वेस्टर्न घाट से जो रेनफॉल आता था वो पानी रुकता नहीं था, लेकिन वो डैम बनाने के वजह से ये पानी रुकने लगा एंड अराउंड द ईयर कोल्हापुर में फार्मिंग करने के लिए पानी सप्लाई होने लगा। तो दैट वॉज अ ग्रेट थिंग दैट शाहू महाराज डिड। अब ये सिर्फ पैलेस नहीं, उनका घर है, बहुत सारी चीज़ें अंदर रखी हुई है, देर आर लॉट ऑफ गन्स, लॉट ऑफ एम्यूनिशंस। अब कमिंग डाउन टू द आर्मी स्ट्रैटेजी, उनका अच्छा खासा आर्मी था, साथ ही साथ ही हैड अ नेवी। अब नेवी में उनके 10 शिप्स थे, सो ही हैड अ फ्लीट। 10 शिप्स काफ़ी होते हैं उस टाइम की जब हम बात कर रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्ली 19th century, सॉरी द अर्ली 20th century, क्योंकि 1894-95 में उनका कॉरोनेशन हुआ, तो तभी से लेके उनके डेथ तक, विच इज़ 1922 तक, उन्होंने कोल्हापुर पे राज किया। और उन्होंने राज नहीं किया, कोल्हापुर को ग्रो किया, जो एक एक्चुअल राजा करता है। नाउ व्हाट आई फील सॉरी फॉर और व्हाट आई फील बैड अबाउट इज़ दैट आर हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री में ये सब नहीं बताया जाता। ऑल आई रिमेंबर अबाउट राजश्री शाहू इज़ वन पैराग्राफ। नाउ दैट मैन cannot बी डिफाइंड इन वन पैराग्राफ, यू can't टेल what ही डिड इन वन पैराग्राफ। ही was अ पार्ट, ही was अ ग्रेट फैन, नॉट अ फैन बट अ follower ऑफ ज्योतिबा फुले। उन्होंने जो महिलाओं के लिए, लोअर कास्ट के लिए जो सारी चीज़ें किया, वहाँ से वो इंस्पायर हुए एंड सत्य शोधक समाज उसको भी वो फॉलो किया करते थे। तो ही was अ ग्रेट मैन, ये सब नहीं बताया जाता हिस्ट्री के अंदर। एंड आई डोंट नो what आर हिस्ट्री सिलेबस हैज़ what क्लैश और what प्रॉब्लम इट हैज़ विद द अदर किंग्स अदर दैन द लाइक द मुगल्स और यू कैन कॉल द ब्रिटिश, उन्होंने क्या क्या किया वो सारे तो बता रहे, लेकिन हमारे जो इतने अच्छे अच्छे राजा हुआ करते थे उनके बारे में बस एक आध दो पैराग्राफ डाल दिया एंड दैट्स द एंड ऑफ इट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो अब आज मुझे एक्चुअली बहुत बुरा फील हो रहा है अपने लिए भी, क्योंकि कोल्हापुर महाराष्ट्रियन होते हुए, एक मराठी होते हुए, मुझे राजश्री शाहू या शाहू महाराज के बारे में इतना सब नहीं पता था। यहाँ आने के बाद, इस विजिट के बाद, मेरे दिल में शाहू महाराज के लिए जो रिस्पेक्ट अभी बढ़ गया है। एंड व्हाट आई फील इज व्हेन आई वाज इनसाइड देयर, व्हेन आई वाज इन देयर, तो उनका राज दरबार मैंने देखा जहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस लिया करते थे, 150 लोग उसमें बैठते और ऊपर लेडीज़ के लिए बैठने के लिए जगह है। तो ही वॉज अ फॉरवर्ड थिंकर, ही हैड अ प्लेस फॉर एवरी वन, नॉट जस्ट इन हिज हार्ट, इन हिज माइंड, बट इन हिज किंगडम एज वेल। सो गाइज, कोल्हापुर, शाहू महाराज, न्यू पैलेस, ज़रूर आइएगा, लर्न अबाउट इट, रीड अबाउट शाहू महाराज, ग्रेट थिंग एंड अ वंडरफुल किंग, आई वुड से।